Anyway, we were in the room. I told Karan, this is not happening. You have to do something because, you know, it's me and the child. And as actors, we are inconsistent. मैंने करण को बोला या जो उन्होंने आप लोगों को ये बात बोली जो जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि दिस इज़ अबाउट मनी, दिस इज़ अबाउट मैंने कोई फ्रॉड किया है. खैर अभी यू गाइज आर द मीडिया, पुलिस को मैंने सारा प्रूफ दे दिया अबाउट बैंक स्टेटमेंट्स. करण टुक ऑल माई ज्वेलरी, ही मैनिपुलेटेड मी इनटू टेकिंग माई ज्वेलरी. आई गेव इट टू हिम बिकॉज आई थॉट ही इज़ माई हस्बैंड, राइट. पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. ही सेड यू नो वी आर अंडर सो मच फाइनेंशियल प्रेशर, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे, आई एम विथ यू. सो इन माई फ्रॉम माई साइड आई हैव बीन सपोर्टिव. इवन मैंने कहा कि लुक वी जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट. आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन अ इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना आए और मेरे ऊपर भी भार ना आए. एंड करण हैज़ बीन एक्सट्रीमली बैड व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग समथिंग लाइक दैट. ही सेड अगर jewelry that I got, everything that I have, I gave everything and I didn't bat an eyelid. और उसके बाद वो ये बोल रहे हैं इट्स अबाउट फ्रॉड. जब मैं करण सॉरी घर हमने 7 साल पहले खरीदा है, ज्वेलरी जून 2020 से बिकी है. EMIs जो भी हमारे लोन्स हैं जो करण ने कई सब फाइनेंशियल, क्योंकि ही इज़ द फाइनेंशियल हेड, मेरे इन्वॉइसेस भी वो ही रेज करता है. मेरे कैंपेन्स के कई इन्वॉइसेस, कई बिल्स उसने अपने अकाउंट में लिए हैं जो मैंने और काविश ने किया है, वो ये सब उसने करा हुआ है. आई डोंट लाइक टॉक टू मच इनटू इट बिकॉज इट्स पूरा दिन लग जाएगा ये बात पे. हाँ उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है. बट इज़ एन एक्टर, ही स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. ये पहली बार. नो नो दैट वन, या ये पहली बार. आई एम नॉट श्योर इफ आई लाइक शो इट. सो आई विल डू इट. सो दीज आर द इमेजेस सामने इधर जो पहले की हैं ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. हर बार ऑब्वियसली आप नहीं करते हो, राइट. आपको क्या पता कि आज से कितने साल बाद ये ऐसा कोई मैटर होने वाला है. बट व्हाई यू वर टॉलरेटिंग ऑल दिस? बिकॉज़ आई लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल लव हिम, बिकॉज़ आई स्टिल डू. एंड आई वाज स्टूपिड. Because I still do, right? It came as a slap on my face because he was having an affair. I was not ready to like split up with him or anything. Sir, ab baat center mein aa gayi kyunki wo camera ya fir madam ko dekhi. This is last night. Yahan pe dekho. Idhar sab ke idhar kar. Nikha thoda. Thoda idhar. Sab pe dekh de. Dikha rahe. Ya aapko bolna chahiye. Are madam haath ra niche rakhna udhar. Are udhar nahi dekho na. Nisha, Nisha. You know what guys? This is not easy for me, okay? Especially I am in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, "Mom, you should have stood for your rights." And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, लेट्स सॉर्ट इट आउट, लेट्स सी इट सेपरेटेड, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू मेक इट सो डर्टी. बट ही लॉस्ट हिज प्लॉट कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. आई सेड एवरीथिंग दैट आई शुड हैव, जो वो अननेचुरल नहीं है, किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा. बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. सो करण गॉट अपसेट, ही स्टूड अप एंड ही लेफ्ट. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, ही हेल्ड माई हेयर एंड ही पुश्ड मी ऑन द वॉल. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या यू नो आई डोंट नो कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगेगा, लगा होगा ये शायद हो जाएगा, यू नो. हाउएवर एंड देन व्हेन द ब्लड स्टार्टेड फ्लोइंग आई रियलाइज कि क्या हुआ है. तब तक ही हैड ऑलरेडी टेकन माई गला एंड पिंड मी ऑन द वॉल. सो आई सेड व्हाई डू यू हेट मी सो मच?
जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे, मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात का हुआ तो काफ़ी सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. And the police came home, and uske baad I went to the police station, and then I called my lawyer because I didn't know. Karan also revealed that you're consulting psychiatrist and you are very aggressive. Yes, aap bipolar hain, bipolar. सबसे पहली बात, आप में से कितने लोगों को पता है बाइपोलैरिटी क्या होती है? करण ने कुछ कहा, आप अब उसका क्वेश्चन बना के मुझे पूछ रहे हो. I want to know from you and from you what is bipolarity. मानो एक इल्जाम है. कैसे है इल्जाम? को इल्जाम तब बोला जाता है जब आपको लगता है कि वो इल्जाम वर्दी है. तो आप पहले बताइए, करण का स्टेटमेंट हमने, करण का स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से यू वर वेरी एग्रेसिव व्हाइल डेटिंग आल्सो, यू यूज्ड टू नो थ्रो. डिड आई कम अक्रॉस लाइक दैट एवर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल? कि उन्होंने, आपने उन पे हाथ उठाया, आपके भाई ने भी हाथ उठाया, ऐसा उन्होंने मारा. सी, आई विल टेल यू व्हाट दीस आर द थिंग्स दैट हैपेंड. ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू से दिस, ही इज नॉट गोइंग टू से हां मैंने किया है. जो इंसान का कोई कॉन्शियंस ही नहीं है, अपने बच्चे के लिए नहीं है, अलग होते वक्त नहीं है, आप पीछे से जाके कुछ कर रहे हो, उस इंसान के कॉमेंट में मैं क्या बोलूँ? इट्स नेचुरल ही वॉज गोइंग टू से दैट. दिस इज नॉट शॉकिंग फॉर मी, बट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर, क्योंकि मैं अभी भी स्टूपिड हूं. मुझे लगता है ऐसे बोला करण ने, ऐसे बोला. यहाँ आने के पहले मैं बहुत रोई हूँ उसके हर स्टेटमेंट पर. एंड दैट्स, वो ये भी कह रहे हैं कि आपने खुद ही हेड बैंक किया. आई नो ही इज सेइंग दैट, बट व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम एन एक्टर, माय फेस इज प्रेशियस, आई हैव अ चाइल्ड, व्हाई वुड आई डू दैट? दूसरी चीज, लेट मी टेल यू अबाउट बाइपोलैरिटी. ये जो मैंने इमेजेस आपको दिखाई थी, बाइपोलैरिटी इज अ मूड डिसऑर्डर. इट हैपेंस ड्यू टू एक्सट्रीम ट्रॉमा एंड इट्स जेनेटिक समटाइम्स. ओके, I was diagnosed with bipolarity. I'm not gonna lie about it. I'm not ashamed about it. And it is not a pagal, jaise wo bol raha hai. Okay, it's a mood disorder. And you all know how balanced I am. I create content. I write about things. I talk about things. Okay? I don't have to prove that. Like I said, I'm not here to prove anything. Right? जो पहले images मैंने आपको दिखाई, that was of 2014. उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ. आई ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रूफ, बट लाइक आई सेड एवरीथिंग आई कांट शो टू ऑल. वी हैड लॉस्ट आवर चाइल्ड. अगर आप लोगों में से किसी को पता हो ये बात, कि 2014 सितंबर में आई वॉज 5 months प्रेगनेंट एंड आई लॉस्ट माई चाइल्ड. एंड आप लोगों को पता होगा, मैंने रिसेंटली एक मॉम्स ग्रुप बनाया है फॉर वीमेन हु हैव लॉस्ट देयर चिल्ड्रेन, यू नो, कम एंड टॉक. क्योंकि जब मुझे उस सपोर्ट ग्रुप की ज़रूरत थी तो वो सपोर्ट ग्रुप नहीं था हमारी कंट्री में. तो जब मैंने बनाया लॉस दैट चाइल्ड और करण का अब्यूजिव बिहेवियर, ये उसके बाद की इमेजेस थी. आई वॉन्टेड टू गो एंड टॉक टू माई थेरेपिस्ट बिकॉज दिस इज एक्सट्रीम ट्रॉमा. व्हेन अ वुमन गोज टू, यू नो, व्हेन शी लूजेज हर चाइल्ड एंड इन द मिडल ऑफ इट द हस्बैंड इज बीटिंग यू, इज इमोशनली अनअवेलेबल, ही वॉज टोटली डिटैच्ड, यू नो. एंड दैट्स व्हेन आई वेंट टू माई थेरेपिस्ट. हालांकि करण ने मुझे रोका था, ही नेवर लेट मी गो टू द जिम, हर चीज़ में ही वॉज वेरी कंट्रोलिंग. सो आई वेंट टू द डॉक्टर. आई सेड दैट not because of any reason, but because I thought that maybe I needed to counsel. And today mental health is given so much importance. Jo aaj se shayad 5 saal pehle mujhe koi question puchta to main bolti ha mujhe bhi nahi pata hai, jo ki actually, you know, 2014 mein hi hua hai. And I was detected with a depressive phase of bipolarity, theek hai, and I took medication for it for about 2 to 3 months and it was fine. Ye kab ki baat hai? 2014 ki. Uske baad I've got that because मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन पूछोगे. He said something like I'm on medication, right? He said I was living with a patient since like 4-5 years. I don't know what this means. Just hurts me. नहीं. मामा भैया भी क्यों? Why are you stressing? निशा, you stronger than this. Yeah, ये सब गलत है, तुझे पता है. Nisha, we have to show both the sides. That's why we are asking you these questions. Nothing to hurt you. You're not here to show your. It just shocks me, na, कि आदमी कोई कितना fake हो सकता है. My last medication was for anti-anxiety. It has got nothing to do with bipolarity. You all know what anxiety is, because obviously this man was troubling me. I was not okay, right? It was my last medication was given on 5th of August 2020. I have the prescription for my doctor. It was just a medication for anti-anxiety, and which was a very mild dose. My doctor's name is Dr. Kasi Chavda. He's a psychiatrist. You can reach out to him and ask him about my mental condition. And Nisha, what about the child custody? The 2 months
that you were linked to. What? The 2 months that you were linked to. That's a long time.